While browsing the internet, be careful of fake knowledge, half information, false beliefs, or myths. Here, we simply want to share reliable and authentic information based on scientific evidences. The intention of making these videos is just to increase awareness and knowledge of general public regarding health issues. So, subscribe this channel and hit the bell icon. Can calcium tablet cause stones and calcium deposition in arteries? कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं क्या कैल्शियम टैबलेट खाने से कैल्शियम हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज करता है, डिपॉजिट होने लगता है, हमारी आर्टरीज़ में कैल्शियम जमने लगता है, स्टोन्स करता है हमारी किडनीज़ में। ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं रिगार्डिंग योर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, चाहे वो आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या फिर वीकली सैशे ले रहे हैं। सो इज़ दैट ट्रू? एंड द आंसर इज़ नो। कैल्शियम जो है वो आर्टरीज़ में सिर्फ वहीं पे डिपॉजिट होता है जहाँ कोई क्लॉट बना हुआ है आर्टरीज़ में, मींस आर्टरीज़ में कहीं खून का थक्का बना हुआ है या प्लाक बना हुआ है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल या फैट इकट्ठा हुआ है आपकी आर्टरीज़ में। और इन द आर्टरी वॉल अगर किसी एरिया में आपका फैट इकट्ठा नहीं है और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं है तो कैल्शियम डिपॉजिशन और कैल्शियम आपका वहाँ पर जमा नहीं हो सकता। बोन्स कैल्शियम का स्टोर हाउस है। कैल्शियम नहीं लोगे और कैल्शियम की कमी हुई अगर आपकी बॉडी में, बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से, तो बोन्स से कैल्शियम निकलने लगेगा और हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। जो नॉर्मल कैल्शियम इनटेक होता है डाइट में एक हेल्दी एडल्ट में, वो बहुत ज़रूरी है। द एवरेज एडल्ट नीड्स 1000 mg ऑफ कैल्शियम पर डे। द अमाउंट इंक्रीजेस टू 1200 mg पर डे फॉर वुमेन ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड मैन ओवर 71 ईयर्स। अगर इस डर से आप कैल्शियम नहीं लोगे, अगर कैल्शियम ज़्यादा ले लिया तो आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन करेगा, किडनी में स्टोन्स करेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आप कैल्शियम बहुत ही एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो अलग बात है। अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा है, आपके ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा मात्रा में है तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी किडनी से, एक नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए, राइट? और अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से वो जो एक्सेस कैल्शियम है वो किडनी से बाहर नहीं जा पाएगा और किडनी में ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और कैल्सिफाई होता रहेगा, जिसकी वजह से स्टोन्स की दिक्कत आ सकती है। ये तभी होगा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है और आपका वाटर इनटेक कम है। सो ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जो लोग कहते हैं कैल्शियम गलती से भी मत खाना, स्टोन्स बनते हैं, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, आप अपना कैल्शियम चेकअप करवाइए, आप विटामिन D3 चेकअप करवाइए, बोन स्कैन करवा के देखो। अगर आपकी बोन्स वीक हैं, आपकी बोन डेंसिटी कम है, तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लीजिए। अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है, बोन्स वीक हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। और एक और कंडीशन होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ मोर सिवियर केस ऑफ बोन लॉस दैट वीकन्स योर बोन्स, एंड आपकी बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा सिवियर मात्रा में कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर आप कहीं स्लिप कर जाते हैं या आपको कहीं फॉल इंजरीज हो जाती हैं तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी एज 45 है, 50 है, लोगों का जैसे ही फॉल इंजरी होती है बोन्स क्रैक हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, कभी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, कभी मेजर फ्रैक्चर हो गया। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज देयर इज़ डेफिशिएंसी इन योर बोन एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। प्लीज़ बी रैशनल। If there is deficiency of calcium and vitamin D3, please visit your doctor if you have any problem regarding your health issues. So, you should know what is your status and do a test and get evaluated.